में मैं बार बार नहाती हूँ, बिना नहाए तो रह ही नहीं सकती। इस बात को लेकर मेरी दोस्त रश्मि है ना, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि मुझे घर में नहीं स्विमिंग पूल में रहना चाहिए। लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। मेरे नहाने के चक्कर में मुझे काफी शर्मिंदा होना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी है, पापा के एक दोस्त शर्मा अंकल का बेटा सोनू गाजियाबाद से आया था और वो हमारे घर पर ही रुका था। पापा कहीं बाहर गए थे और मम्मी बोली कि वो पड़ोस में होकर आती हैं। मैंने सोनू से कहा कि तुम टीवी देखो और मैं नहाने चली गई। मैं काफी देर तक नहाती हूँ, मुझे खूब मजा आता है। धीरे धीरे साबुन लगाना, फिर सर से पैर तक पानी डालना, और अगर गर्मी का मौसम हो तो क्या कहना। आज भी कुछ ऐसा था। मैंने अपने सारे कपड़े उतार कर खूंटी पर टंगा दिए और धीरे धीरे पूरे जिस्म पर मसाज करने लगी। काफी मजा आ रहा था। मैंने थोड़ा सा पानी डाला और अच्छी तरह से साबुन लगाया और अचानक मुझे टीवी की आवाज साफ सुनाई देने लगी। मैंने अपने आप को अकेला समझकर नहाने पर कॉन्सेंट्रेट किया। धीरे धीरे साबुन लगाया, अपने जिस्म को खूब टच किया और फिर ढेर सारा पानी डाला। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो सोनू बाथरूम के दरवाजे से झांक रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि गलती से मैंने बाथरूम का दरवाजा तो खुला ही छोड़ दिया था। मैंने जल्दी से अपने आप को तौलिए से लपेट लिया। ये देखकर सोनू चुपचाप लौट गया। अब इसमें मेरी क्या गलती, आप ही बताइए कि दरवाजा मैंने जानबूझकर तो खुला नहीं छोड़ा था ना।